Now watch all the episodes only on Lehren app. Like fourth season है यहाँ, आप कितने excited हैं? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फोर्थ सीज़न है बीसीएल का। पिछले 3 सीजन्स में बहुत मज़ा आया, तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर ऑल द टीम्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मैं सपोर्ट कर रही हूँ चेन्नई स्वागत को क्योंकि इट्स बाय रुचिका, माय बेस्ट फ्रेंड। सो मैं सपोर्ट करने आई हूँ, दैट्स इट। अच्छा लाइक अगर बीसीएल की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा ना जितने लोग क्रिकेट को लेके पागल हो जाते हैं ना, उतना ही एक दूसरे को बुली करने के पीछे भी लग जाते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही तो मज़ा है, यू नो स्पोर्ट्स में यही तो मज़ा है क्योंकि फील्ड पे एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, यू नो नोक झोंक होती है, लेकिन ऑफ स्क्रीन ऑफ फील्ड सब ठीक हो जाता है। इट्स जस्ट इन द स्पिरिट ऑफ द गेम कि सबको जीतना है, सब कॉम्पिटिटिव है, एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा, अगर आपको खेलने का मौका मिलता तो आप किसकी टीम से खेलती हैं और बॉलिंग करती हैं या बैटिंग करती, क्या करती हैं? मॉडलिंग करती मुझे बिल्कुल क्रिकेट खेलना नहीं आता और मैं ज़्यादा नर्वस हो जाती अगर मुझे कोई बोला कि जाके क्रिकेट खेलो, लेकिन अगर पुश कम टू शावर मुझे खेलना ही पड़ा तो ऑब्वियसली रुचिका की टीम से खेलूँगी क्योंकि दोस्त है, वो बुरा नहीं मानेंगी अगर मैं कैच छोड़ दूँगी तो अच्छा क्रिस्टिना, जैसे आपने कहा कि आप तीनों सीजन से साथ में रहते हैं, तो कुछ ऐसी फ़नी यादें हैं आपकी जो आप शेयर करना चाहेंगे? फ़नी यादें तो आई रिमेंबर मैं, विशाल, एकता मैम, उर्वशी, हम सब एक बॉक्स में खड़े थे और देख रहे थे राखी सावंत एम्पायर के ऊपर जंप कर रही थी। इट वाज रियली फ़नी, इट वाज इन गुड स्पिरिट, इट वाज सो एंटरटेनिंग, बहुत मज़ा आया। मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि बीसीएल सीज़न 4 आ रहा है, प्लीज़ देखना ना भूलिए बिकॉज इट्स गोइंग टू बी पावर पैक। बहुत सारा मसाला होने वाला है, बहुत सारा फन होने वाला है, एंड आई एम श्योर यू गाइज विल लव इट। थैंक यू।